Hello everyone, good morning to all. Dear student, today I will explain a poem, The Swing. So let's see in your course book, page number 37. The swing ka matlab hota jhula. Let's begin. To sit on a swing and move up and down, oh that is so much fun. Let's read the poem. एक झूले पर बैठने ऊपर नीचे जाने में यह बहुत ही मज़ेदार कविता है. आइए पढ़ते हैं इस कविता को. रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. लेट्स रीड. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, यानी तुम्हें झूले में कैसे जाना पसंद है. अप इन द एयर सो ब्लू, यानी ऊपर हवा में इतना नीला है वो. आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. मीन्स अरे मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा इस मज़ेदार चीज़ को कर सकता है. अप इन द एयर एंड ओवर द बॉल, हवा में दीवार के ऊपर. टिल आई कैन सी सो वाइड, मीन्स तब हम विस्तार से देख सकते हैं. रिवर्स एंड ट्रेस एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, यानी नदियों पेड़ों और मवेशियों और कंट्री साइड की सारी चीज़ों को हम विस्तार से देख सकते हैं. टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, तब हम नीचे गार्डन को हरा देख सकते हैं. डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन. अप इन द एयर एंड डाउन मीन्स जब तक हम बगीचे को ऊपर से हरा भरा नहीं देखते और छत को ब्राउन नहीं देखते, तब हम हवा में दोबारा उड़ते चले जाते हैं ऊपर और नीचे. यह कविता रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई है. नाउ आई विल एक्सप्लेन पेज नंबर 38 एज वी रीड. What is the poem about? Poem किसके बारे में है, कविता किसके बारे में है, तो यहाँ पर लिखेंगे द स्विंग, यानी झूले के बारे में. Who is the narrator? इस कविता को कौन कह रहा है, नरेट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे द लिटिल गर्ल. What is the most important pleasant thing to do? सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है या आनंद आता है, तो लिखेंगे टू शिट ऑन अ स्विंग मूव अप एंड डाउन, झूले में बैठकर ऊपर नीचे करने में मज़ा आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डज द लिटिल गर्ल सी रिवर्स सी एंड कैटल्स, यानी लड़की कहाँ से नदियाँ पेड़ों और मवेशियों को देखती हैं. आंसर में लिखेंगे टू सिट ऑन अ स्विंग अप इन द एयर, जब हम झूले में बैठकर ऊपर हवा में जाते हैं तब ये सारी चीज़ों को छोटी लड़की देखती है. हु हैज़ रिटन द पोइम, इस पोइम को किसने लिखा है, तो आंसर में लिखेंगे रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन. लेट्स लर्न मीनिंग फ्रॉम द पोइम, चलो इस पोइम की कुछ मीनिंग को लर्न करते हैं. स्विंग यानी झूला, कैटल यानी मवेशी, कंट्री साइड places outside town and cities with farm, यानी बाहर से शहर और कस्बों को देखना. pleasantest most enjoyable यानी अत्यधिक आनंद देने वाली चीज़ें. ever for all time यानी हमेशा के लिए. now I will explain last seven. looking at the picture, यहाँ आपको पिक्चर देखना है. look at the picture and describe what the girl can see over the बॉल, यहाँ पर पिक्चर देख के बताना है कि लड़की दीवार के ऊपर से क्या देख सकती है, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द गर्ल कैन सी अ रिवर सम ट्री काउस फील्ड हाउसेस कंट्री साइड एटसेट्रा. नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू रीड द पोइम अलाउड ट्वाइस, पोइम को दो बार जोर से पढ़ना है. फर्स्ट लाउडली देन सॉफ्टली, पहले जोर से फिर सॉफ्टली इसको पढ़ना है. नाउ वी एक्सप्लेन लेट्स ट्राई थ्री. देयर आर सम वर्ड्स इन द पोइम दैट हैव सिमिलर एंडिंग साउंड, रीड देम. मीन्स यहाँ कविता में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी एंडिंग साउंड्स एक जैसी है, उनको पढ़ते हैं. जैसे स्विंग, थिंग, ब्लू, डू, वॉल, ऑल, वाइड,
countryside, brown, down. These are called rhyming words. इन words को rhyming words कहा जाता है. Now I will explain page number 39, let's say 4. Let's say 4, look at the pictures and name them. Pictures को देखो और नाम बताओ. And then match the rhyme naming word that rhyme. और उस naming word को उसके rhyme से मैच करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है. जैसे फर्स्ट पिक्चर माउस, राइमिंग वर्ड है हाउस. नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है फ्रॉग, फ्रॉग डॉग. फ्रॉग को डॉग से मैच करेंगे. और बॉक्स, बॉक्स को फॉक्स से मैच करेंगे. ट्री, ट्री को बी से मैच करेंगे. कोट, कोट को बोट से मैच करेंगे. दीज आर ऑल राइमिंग वर्ड्स. Dear student, it is enough for today. Now complete your today's work in course book. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.